नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब। देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस आज के वीडियो में से कम आपके हर एग्जाम के अंदर, आगे आने वाले 5 सालों के अंदर हर एग्जाम के अंदर 1, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के आए। इसलिए इस वीडियो को आज से ही याद करना और 3-4 बार आगे देख लेना, और हम इसको अच्छी तरीके से आपको याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखना। ये देखिए 26 तारीख, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो शासन कार्य नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के परामर्श से प्रत्येक मंत्री को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों का कार्यभार सौंप दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, उनके पास देख सकते हो आप 9 विभाग इनके पास, वित्त विभाग इनके पास, आबकारी विभाग इनके पास, आयोजना विभाग इनके पास, नीति आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, गृह मामलात और न्याय विभाग, ये सारे के सारे किसके पास हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक बार हम सारे के सारे पढ़ लेते हैं, बाद में लास्ट में एक बार रिपीट भी आपको करवा देता हूँ। सचिन पायलट जिनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री, जो है 5 उप मुख्यमंत्री, और इनके पास कौन कौन से विभाग है वो देख लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सार्वजनिक निर्माण विभाग इनके पास है, ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है, पंचायती राज विभाग इनके पास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इनके पास है, सांख्यिकी विभाग भी इनके पास है। तो ये 5 विभाग हैं जो किसके पास है? सचिन पायलट के पास। अगर ये सचिन पायलट नहीं होते तो ये विभाग किसके पास होते? अशोक गहलोत के पास। जैसे कि वसुंधरा राजे के समय आपने सुना होगा 13-14 विभाग उनके पास रहते थे, है ना, तो ये बात है। अब सचिन पायलट जी हैं तो उनके पास है, और अशोक गहलोत जी हैं उनके पास ये है। मंत्रियों की बात करें तो श्री बुल्ला की दास कला, तो यहाँ पे देखिए बुल्ला की दास कला जिनको बनाया गया है ऊर्जा विभाग, यहाँ पे देख लीजिए ऊर्जा विभाग किसे दिया गया? बुल्ला की दास कला। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भू जल विभाग और कला एवं साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग है जो किसको दिया गया है? बुल्ला की दास कल्ला को। ऊर्जा विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, भू जल विभाग है, और कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस सवाल आपके मन चल। श्री शांति कुमार धारीवाल, याद कर लीजिए श्री शांति कुमार धारीवाल के पास स्वास्थ्य शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्श कार्यालय, संसदीय मामलात विभाग उनके पास है। श्री प्रसादी लाल जी को जो है उद्योग विभाग दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी जो बीडी कला है जिनको बुल्ला की दास कला कहते हैं, तो उनके पास है ऊर्जा विभाग, और यहाँ प्रसादी लाल के पास है कौन सा? उद्योग विभाग। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, उद्योग विभाग किसके पास है? प्रसाद लाल जी के पास है, और इनके पास एक राजकीय उपक्रम विभाग भी इनके पास है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और इनके पास एक है आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भंवरलाल मेघवाल को जहाँ पर कहा जा रहा था शिक्षा मंत्री लेकिन नहीं बनाए गए, यहाँ पे इनको दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। श्री लालचंद कटारिया जी को यहाँ पे कृषि विभाग दिया गया है, पशुपालन विभाग दिया गया है, और मत्स्य पालन का विभाग है जो इनको दिया गया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेगा, हम इसको रिपीट करेंगे लास्ट में, तो ये भी ध्यान में रखना। श्री रघु शर्मा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो रघु शर्मा याद कर लीजिए। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इनको दिया गया। 9वें मंत्री हैं जो है प्रमोद भाया, श्री प्रमोद भाया, इनको खान विभाग और गोपालन विभाग ये 2 दिए गए हैं। श्री विश्वेंद्र सिंह इनको दिया गया पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग। हरीश चौधरी को दिया गया राजस्व विभाग और उपनिवेश विभाग और कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। यहाँ पे देखा जाए तो श्री रमेश चंद मीणा इनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, और उपभोक्ता मामले का मामलात विभाग है जो भी इनको दिया गया है। श्री अंजना उदयलाल है जिनको सहकारिता विभाग किसे बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना श्री अंजना उदयलाल। और श्री प्रताप सिंह खातरियावास परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग इनको दिया गया है, कौन कौन सा? परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग। साले मोहम्मद इनको दिया गया है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वक्फ विभाग और धन अभियोग निराकरण विभाग इनको दिया गया है।
श्री गोविंद सिंह डोटासरा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री बनाया गया है श्री गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया, याद रखना। पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग इनको स्वतंत्र रूप से दिया गया है। देखिए श्रीमती ममता भूपेश, ये एकमात्र महिला मंत्री है ना, तो महिला एवं बाल विकास विभाग है जो इनको दिया गया है। अगर देखा जाए तो जन अभियोग निराकरण विभाग है जो इनको दिया गया है, और अल्पसंख्यक मामला विभाग में इनको दिया गया है। आगे देखते हैं तो श्री अर्जुन सिंह बामणिया है, तो इनको देखिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनको दिया गया है, ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं। उद्योग विभाग और राष्ट्रीय उपक्रम विभाग भी इनके पास अन्य से दिए गए। पवन सिंह भाटी के पास देखिए उच्च शिक्षा विभाग, यहाँ पे देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग है जो पवन सिंह भाटी के पास है, और राजस्व उपनिवेशन और कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता, ये सारे विभाग किसके पास है, पवन सिंह भाटी के पास। श्री सुखराम विष्णु के पास वन विभाग है, पर्यावरण खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के जो विभाग है वो सारे सुखराम विष्णु के पास है। और यहाँ पे देखा जाए तो श्री अशोक युवा मामले कौशल नियोजन है, उद्यमी परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है। और श्री टीकाराम जुली है जिनके पास श्रम विभाग कारखाना है, बॉयलर निरीक्षण विभाग सहकारिता विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग भी इनको दिया गया है। यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से टीकाराम जुली को। श्री भजनलाल जाटव जी के यहाँ पे गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का जो इनको विभाग दिया गया है, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कृषि पशुपालन और मत्स्य, इनके भी कुछ इनको हक दिए गए हैं। राजेंद्र सिंह यादव है जिनको आयोजना विभाग और स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता और आपदा प्रबंधन सहायता विभाग भी इनको दिया गया। सुभाष गर्ग को तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद, ये देखिए स्वतंत्र प्रभार में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इनको पूरा विभाग दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार में इनको भी ये विभाग मिला हुआ है। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग और यहाँ पे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री अब स्वयं करेंगे, ये आदेश तत्काल प्रभावी होता है राज्यपाल की आज्ञा से। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीजें देख ली। अब आप इसको रिपीट करना चाहते हो तो वीडियो फिर से स्टार्ट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं, वित्त विभाग और ये सारी की सारी है तो इनके पास है ही अपने अशोक जी के पास। ऊर्जा विभाग बुल्ला की कल्ला, बी डी कल्ला, और यहाँ पे देखा जाए शांति धारीवाल के पास स्वास्थ्य, ये तो कोई नहीं। यहाँ उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है तो ये देखिए प्रसादी लाल मीणा, ठीक है। और मास्टर मेघवाल को सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग दिया गया है। और रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री कौन है, रघु शर्मा याद कर लेना। प्रमोद भैया खान विभाग, सॉरी पर्यटन विभाग के जो विश्वेंद्र सिंह उनको याद कर लीजिए। रमेश चंद्र मीणा को देखिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, ठीक है। ये उपभोक्ता मामले के जो भी विभाग है इनके पास है ये ध्यान रखें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सहकारिता विभाग है जो अंजना उदयलाल से, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस साले मोहम्मद से डायरेक्ट याद आ जाएगा, अल्पसंख्यक मामला है ना। और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री किसे बनेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा को। श्रीमती ममता भूपेश, बस यहाँ से याद कर लेना, महिला एवं बाल विकास विभाग है जो किसको, श्रीमती ममता भूपेश को दिया गया। जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास है, ये छोड़िए बाकी ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है जो किसके पास है, अर्जुन सिंह बामणिया के पास है। और भंवर सिंह भाटी के पास उच्च शिक्षा विभाग है इनके पास। बाकी वन विभाग के सुखराम विष्णु ही है, और बाकी सारे के सारे देख सकते हो श्रम विभाग यहाँ पे, और तो कोई खास है। दोस्तों ये वीडियो आपको लगा कैसा ये मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।